क्या आप भी चाहते हैं आपके घर में पैसे और बरकत बनी रहे? तो आइए देखते हैं कुछ सरल उपाय। जय जय श्री राधे। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल किशोरी दासी ऑफिशियल में। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में भी लक्ष्मी जी का वास हो, सुख हो, शांति हो, सब चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ और आप लोग भी चाहते होंगे। तो मात्र कुछ सरल उपाय करने से वह सब कुछ हमारे घर में होगा। आपको पता है, आप जिन लक्ष्मी जी के पीछे भागते हैं वह हमारे भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। हमारे ब्रज में बड़ा सुंदर कहा है कि अगर आप कृष्ण के पीछे पीछे भागेंगे तो कृष्ण आगे आगे, लेकिन आप हमारी राधा रानी के चरणों की शरण ले लेंगे, उनका आश्रय ले लेंगे, तो भगवान कृष्ण आपको वहीं मिल जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है कि अगर आप उनके स्वामी की शरण लेंगे, अर्थात भगवान कृष्ण की, हमारे भगवान नारायण की शरण ले लेंगे, तो जो लक्ष्मी देवी है वह आपके घर खुद आ जाएगी, क्योंकि आप उनके स्वामी के दास हैं। तो जहाँ स्वामी रहते हैं, जहाँ स्वामी का नाम रहेगा, वहीं लक्ष्मी जी वास करेंगी। तो सबसे पहला उपाय कि आपको हमारे भगवान कृष्ण की शरण ले लेनी है, उनका नाम जप करना है, उनकी आराधना मंत्र आदि जप आदि वह करना है। भगवान कृष्ण की शरण लेनी है, भगवान नारायण की शरण लेनी है। लक्ष्मी जी खुद आपके घर में वास करेंगी, आपको लक्ष्मी जी के पीछे नहीं भागना होगा। दूसरी बात, आपके घर में तुलसी सखी जी जरूर विराजमान हो। अगर सूख जाती है, भाई कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी जी सूख जाती हैं, आज तुलसी जी सूखी हैं, अगले दिन फिर ला के विराजमान कीजिए। तुलसी जी के बिना घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आपको हर पूर्णमासी और अमावस्या पर अपने घर में धूमनी ज़रूर देनी है। धूमनी की जो वीडियो है वह मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पर भी मेंशन कर दूंगी। तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन धूमनी अवश्य अपने घर में दे। अगली बात यह है, जो लगेगा कि बहुत छोटी सी बात है, पर यह बहुत बड़ा उपाय है। हम अक्सर अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं, लेकिन कृपा करके उन खिड़की और दरवाज़ों को चाहे कुछ समय के लिए खोलें, चाहे सुबह या शाम एक समय, कुछ देर के लिए अवश्य सारे घर के खिड़की दरवाज़े खोल कर रखें, थोड़ी देर के लिए। शाम होते ही बिजली का खर्च ना बचाएं, कि बिजली का खर्च बचाना है। शाम होते ही आपके पूरे घर की लाइटें ऑन हो जानी चाहिए, चाहे कुछ कुछ मिनट के लिए हो, लेकिन बाथरूम की, किचन की, रूम्स की, पूजा के कमरे की, सब की लाइट्स ज़रूर ऑन करें शाम होते ही। आपने पहले देखा होगा, पहले बड़े बुज़ुर्ग हमारे शाम के समय लाइट ऑन करते थे और प्रणाम करते थे। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है, हमारे घर में सुख समृद्धि इसी के कारण बनी रहेगी। तो खिड़की दरवाजे ज़रूर खोलें और शाम होते ही सारे घर की लाइट्स ऑन ज़रूर करें। अब बहुत अंत में कुछ सरल से उपाय और बताऊंगी। देखिए, आपके घर में जो भी अतिथि आता है, जो भी आते हैं, आप उनके भोजन की व्यवस्था करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपके घर में आए वह आपके घर से बिना जल के वापस ना जा पाए। अर्थात आपके घर में कोई भी आता है, आपको उन्हें जल पिलाए बिना बिल्कुल नहीं भेजना। खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती कोई परेशानी नहीं, बिना जल के आपके घर से कोई ना जाए। और अंत में एक मुख्य उपाय कि आप महीने में एक बार अन्न दान अवश्य करें। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास व्यवस्था नहीं। देखिए, आपके पास जितनी भी व्यवस्था है, आप उसके अनुसार महीने में एक बार अन्नदान ज़रूर करें। रोज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, किंतु महीने में एक बार तो करनी ही चाहिए।
अब अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो इतनी सी व्यवस्था हर किसी के पास होती है। मार्केट में हम लोग खाते हैं, तो आपको यहाँ एक उदाहरण देती हूँ समोसे का। समोसा मात्र 10 रुपये में आ जाता है, तो अगर आप 2 समोसे भी लेते हैं तो 20 रुपये के, किसी ज़रूरतमंद को महीने में एक बार वो 2 समोसे ही खिला दीजिए, वह भी अन्नदान में ही आएगा। अर्थात आप जितना अन्नदान करेंगे उतना आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अपने घर से किसी को बिना जल के ना भेजे, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। तो कृपा करके ये छोटे छोटे उपाय आपको ज़रूर लग रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे क्या लक्ष्मी जी आएंगी, इनसे क्या मेरे घर में बरकत होगी। आप विश्वास कीजिए, अपने जीवन में इसे उतार कर देखिए। अब ऐसा नहीं कि आप 2 दिन करें और सोचने लग जाए, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। महीने 6 महीने करके देखिए, अपने जीवन में इन बातों को उतारिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको लाभ हो और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हरि बोल।